Together we create our future with Flylogical. आज हम आपके लिए 2022 23 दिसंबर की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया है? ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है नितिन जयराम गडकरी, निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, सर्बानंदा सोनोवाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए, नितिन जयराम गडकरी। आइए अगला व्याख्या देख लेते हैं, इसकी प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है? जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सीपीएफ ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है? अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विधा लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभ आरंभ किया है? अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर ना किया है तो। चलिए प्रश्न देख लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस है हमारे, पहला ऑप्शन है पुर्तगाल, अर्जेंटीना, फ्रांस, अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी, फ्रांस। आइए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें भी आप ठीक समझो उसमें पढ़ें। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे इसी के साथ। चलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? रुबल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रेट होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? सेरेना विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा की है? सुरेश रैना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है? ऑप्शंस है हमारे, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी, नई दिल्ली। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। चलिए व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले कडावर स्लैंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत के पहले भूकंप स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? भुज, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के पहले टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लतवनच वास्तविक पद के लॉन्च किया है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, भारत। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे इसी के साथ।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है, किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 18वां अंतरराष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है? कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? वह बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? कोटा, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है हमारे स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूएई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। एनी गेसेस? इसका सही उत्तर है डी, यूएई इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ पहला प्रश्न है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का, चलिए देखते हैं क्या है। किस शहर में 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? शारजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? वाराणसी। चलो अगले प्रश्न देख लेते हैं, पहले पनडुब्बी रोधी जहाज अर्नाला को कहां से लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे मुंबई, कोचीन, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डी, चेन्नई इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश के तटरक्षकों ने समुद्री संबंधों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया है? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के स्टिल्थ फ्रिगेट INS तरकश ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है हमारे छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। बी, तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। आइए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण जानकारी का, चलिए देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य उप मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम पहल शुरू की गई है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पिछड़वाड़े सुअर पालन योजना की शुरुआत की है? मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा। अगला प्रश्न देख लेते, भारतीय नौसेना के में किस गाइडेड वेपन वाली 5वीं पनडुब्बी को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS वगीर, INS वेला। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है सी, INS वगीरा, वगैरह इसका सही उत्तर। चलिए
व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वेला, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस शस्त्र बल के लिए अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी दी गई है? इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में आई इन्वेंटिंग का उद्घाटन किया है? आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नौसेनाओं ने इब सागर समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म अभ्यास आयोजित किया गया है? अमेरिका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।